नमस्कार, तालठोक के आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और मुद्दा आज का यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस मजहब के आधार पर जांच करती है। यह सवाल मुजफ्फरनगर के गैंगरेप केस से उठा है। एक नाबालिग दलित लड़की का आरोप है कि उसे 10 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। इस दौरान उसे जबरदस्ती मांस खिलाया गया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपों को दर्ज करते हुए 18 सितंबर को FIR भी कर ली। लेकिन अगले ही दिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्वीट करके दावा कर दिया कि जबरदस्ती मांस खिलाने की बात झूठी पाई गई। अब यूपी पुलिस के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यूपी पुलिस ने जानबूझकर ट्वीट किया क्योंकि मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर में आरोपियों के मजहब से पुलिस को डर लग गया, या फिर पुलिस के सिस्टम में बैठे कुछ लोगों की सोच भी सांप्रदायिक है? आखिर मुजफ्फरनगर पुलिस को इस मामले में जबरन मांस न खिलाने की बात कहने की जल्दबाजी क्यों थी, जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी सलीम को आज गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जब जी न्यूज ने इस खबर को जोरदार तरीके से उठाया। अब भी तीन आरोपी अकरम, असलम और अयूब पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अब गैंगरेप समेत हर आरोप की जांच कर रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद दावा किया गया कि अब सूबे में सबका साथ सबका विकास होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। पर क्या यूपी में सरकार बदल गई, सिस्टम नहीं बदला? यूपी में पुलिस पर पहले भी सांप्रदायिक आधार पर एक्शन लेने के आरोप लगे हैं। मुजफ्फरनगर के इस गैंगरेप केस में भी पीड़ित पक्ष का आरोप है कि CO के पद पर तैनात पुलिस के अफसर मोहम्मद रिजवान ने समझौता करके मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव डाला। इसलिए आज हम तालठोक के पूछ रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में गैंगरेप पीड़ित के साथ अधर्म क्यों, किसके इशारे पर यूपी पुलिस मजहबी शांति दूत बनी, यूपी पुलिस क्या मजहब के आधार पर अपराधों की जांच करती है, क्या यूपी पुलिस को आरोपियों के धर्म से डर लगता है, या फिर यूपी पुलिस भी सांप्रदायिक कार्ड खेल रही थी। हमारे साथ आज बात करने के लिए संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जूही सिंह हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास नकवी हैं, अध्यक्ष हैं शिया चांद कमेटी के, यूपी हज कमेटी के पूर्व सदस्य हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, 2007 से 2009 के बीच यूपी के DGP रह चुके हैं, शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल उन्हें मिल चुका है। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा जो इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे साथ न्यूज रूम से इस पर बात करने के लिए लाइव मौजूद रहेंगे। और आपको ये बता दें कि यह खबर विश्वसनीयता के सभी पैमानों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे, इस खबर से जुड़े गवाह हमारे पास हैं और इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। लेकिन बहस की शुरुआत करें उसके पहले जी न्यूज से इस पीड़ित लड़की ने क्या कहा, यह सुन लीजिए। कहने लगे मुझे अपना घर जा रहे हैं तो तुमको भी हम रोड पर छोड़ दें, विश्वास करके कि साथ के ही हैं गाँव के। रास्ते में उन्होंने मेरे साथ में फिर कान पट्टे पे मेरे तमंचे लगाया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, मेरे अंकों पर पट्टी बांधी। फिर मुझे नहीं पता ये आ गया था जगह पर, मुझे इन्होंने 10 दिन के लिए रखा। उन्होंने मेरे साथ में बलात्कार किया और मुझे मांस खिलाते रहे जिससे मुझे उल्टियाँ लगती रही और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते रहे कि इस्लाम कबूल कर ले, हमको तुमसे शादी करनी है। जी, तो सुना आपने इस लड़की को, और इस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराया है उसमें यही सारी बातें कही हैं। संबित पात्रा, सरकार आपकी है, आप लोग दावा करते हैं कि अब यूपी पुलिस अपराधियों से डरती नहीं है। हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक अपराधियों को मौत के घाट उतारा, डरती नहीं है 24 घंटे से कम समय में आरोप बदलने की कोशिश करती है यूपी की पुलिस? अगर ऐसा हुआ है जो कि अब लग रहा है, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से आपने बाइट भी दी है लड़की की और 164 के अंतर्गत लड़की ने डिपोज किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास तो जरूर किया गया है। पुलिस ने कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश की है और मुझे लगता है ये निंदनीय है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता जरूर हो सकता हूं, मगर जो अन्याय है वो अन्याय है। लड़की बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि मुझे मांस खिलाने की कोशिश की गई और मेरा धर्म परिवर्तन करने का कोशिश किया गया। देखिए, पूरे विषय के दो पहलू हैं, एक तो है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, 10 दिन तक गैंग रेप हुआ है, और दूसरा धर्म का एंगल भी है। तो पहली बात है कि हमें केवल धर्म के एंगल को देखना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, और रेप के एंगल को उसके सामने छोटा नहीं करना चाहिए, उसको भी ध्यान देना है और इस विषय को भी आगे लेके आना है। मुझे लगता है कि मैंने सुबह आपका जी न्यूज़ का जब ये न्यूज़ देखा उसके नीचे मुजफ्फरनगर के पुलिस के ट्वीट भी देखे थे, उन्होंने कहा था कि सलीम नामक एक लड़का शायद गिरफ्तार हो चुका है, बाकी जो तीन आरोपी हैं उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लेगी। और चूंकि अब ये खुलासा 164 के अंतर्गत हुआ है, मुझे लगता है इसका संज्ञान लेके यथाशीघ्र पुलिस अगर इस प्रकार से किसी त्रुटि
उन्होंने किया है तो उस त्रुटि को भी ठीक करेगी। मगर मैं इस बात को लेकर चकित हूं कि मुझे याद है इस विषय पर एक ट्वीट किसी एक प्राइवेट सिटीजन ने किया था। उस प्राइवेट सिटीजन को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। इस पर लेकर बवाल चार दिन से मचा हुआ था। किसी को उस पीड़िता के रेप को लेकर मतलब नहीं था, मगर जो झूठ बाद में सच साबित हुआ उसको लेकर जिस प्रकार से नरेटिव चेंज करने की कोशिश हो रही थी, मैं उसकी निंदा करता हूं। विक्रम सिंह जी, आपके पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जूही जी से कॉमेंट लेना चाहता हूँ। जूही जी, क्या यूपी की पुलिस धर्म देख के जांच करती है? पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, जब आपकी सरकार थी तब भी आरोप लगते थे। रोहित जी, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, आपकी मुहिम की वजह से उसकी एफआईआर लिखी गई है, जबकि कानून में एफआईआर तुरंत लिख लेनी चाहिए थी। बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है, और अगर यूपी पुलिस ऐसा कर रही है तो जघन्य अपराध कर रही है, और ऐसे अफसरों पे भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, किसी भी धर्म में हो। बाकी जो दूसरा एंगल है 164 में वो बता चुकी हैं, उसको भी संवेदनशील मसला है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। लेकिन क्या जो पुलिस अफसर अभी तक एफआईआर नहीं लिख रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? और एक बलात्कार का मसला था, ट्वीट पर यह लिखा गया कि मांस खाने की बात सही नहीं है, सो इररेलेवेंट, जबकि एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ। एक्चुअली अरोय जी, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो अब मैं एक टेंडेंसी देख रही हूं कि महिलाओं के प्रति अपराध, बलात्कार, बच्चों के प्रति अपराध बहुत आसानी से हम समाज के खाने में डाल देते हैं कि ये समाज कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, मानसिकता जिम्मेदार है, और आंकड़ों में अपने आप को बांधने की कोशिश जरूर करते हैं कि हम एनकाउंटर कर रहे हैं इसलिए कानून व्यवस्था सही है। ऐसा नहीं है, सच का सामना करना चाहिए। हालांकि मैं मानती हूं कि कानून व्यवस्था सतत काम करने की एक उस पर आवश्यकता है, अपनी सरकार में भी यही कहती थी, लेकिन कम से कम ये जो वाकया आया है और जो आपने उजागर किया है, इसमें शिथिलता और गलती यूपी पुलिस की है। गांव वाले उस वो लड़की उन लोगों को पहचानती है, जानती है, तो इससे क्यों वो रुकी इतने दिन, क्यों फरार होने दिया? ठीक, विक्रम सिंह जी, अब आप बताइए, पुलिस धर्म देख के जांच करती है क्या? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस को केवल कानून और सबूत के बुनियाद पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इसमें बॉल बाय बॉल रनिंग कमेंट्री देने की और ट्वीट करके ये कहना कि मांस खाने की बात प्रमाणित नहीं हुई, ये प्री मेच्योर डिस्क्लोजर है जो कि आपकी विवेचना को भी कुप्रभावित करेगा और इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा देने का ये काम करेगा। इसको प्री मेच्योर डिस्क्लोजर न दे करके पहले जब पूरी समग्र और गहराई से छानबीन हो जाए, विवेचना पूर्ण हो जाए, तब तथ्य देने चाहिए उसके पहले। और 164 का जो बयान आया है, बच्ची ने जो कहा है, तो ट्वीट और 164 के सीआरपीसी के बयानों में तो पूरा विरोधाभास है। जो बच्ची कह रही, पीड़िता कह रही है, वो सर्वमान्य है, वो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल और अकाट्य साक्ष्य है, उसके ऊपर आपको आधारित होकर के अपनी विवेचना करनी चाहिए। मुझे तो अब यह भी शक हो रहा है कि क्या आप सच्चाई की तरफ जाएंगे भी नहीं जाएंगे। अभी डीजीपी यूपी से सुलखान सिंह साहब से मेरी बात हुई, वो एक निर्भीक अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि उस समय इसका संज्ञान लेकर के जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर करेंगे और इसकी ऐसी विवेचना होगी कि जो कि एक नजीर और एक मिसाल बने। आरोपियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी और अगर जरूरत हुआ तो 166 AIPC जो कि निर्भया के बाद शामिल किया गया था, उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने वो कार्रवाई नहीं की जो कि उनको करनी चाहिए थी, उसमें उनका निलंबन और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई उनके द्वारा संपादित की जाएगी। राहुल सिन्हा, क्या ये सारी चीजें पुलिस के अधिकारियों को पहले पता नहीं है? क्योंकि इसको लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, प्रधानमंत्री तक का नाम घसीट लिया गया, ये कहा गया कि जिस आदमी को पीएम फॉलो करते हैं वो देखिए झूठा ट्वीट कर रहा है, लड़की को मांस तो खिलाया नहीं गया, रेप की बात किनारे कर दी गई, अगवा किए जाने की बात किनारे कर दी गई, नैरेटिव बदलने की पूरी कोशिश की गई इसमें भी। रोहित, पता सबको था, लेकिन जानबूझकर इस मामले को दबाने की हर तरीके से हर संभव कोशिश की गई। 19 तारीख को मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जो ट्वीट आया वो अपने आप में बताता है कि जो लोग इस जांच में जुड़े हुए थे वो आखिर चाहते क्या थे। एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, वो बताती है कि उसके साथ न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि उसको ज़बरदस्ती उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की गई, उसको ज़बरदस्ती मांस खिलाया गया, और ये सब तमाम चीज़ें छोड़ करके जांच करने वाला अधिकारी 24 घंटे के अंदर ये बता देता है कि मैंने जांच की और पाया कि ये मांस खिलाने वाली खबर गलत थी। आपने कैसे पता किया? क्या आपके पास अभियुक्त थे? वो आरोपी थे, वो आरोपी जिन्होंने इस लड़की के साथ ये सब कुछ किया, क्या आपने कोई तफ्तीश की? अगर नहीं की तो फिर आप कैसे एकदम से एक ऐसे ट्रोल को जो कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था, जिसकी बात आपने की कि एक ट्वीट के बाद में लोगों ने पूरा पूरा कैंपेन खड़ा कर दिया था, आपने उसको बल दे दिया, उसको सबूत दे दिया और ये कह दिया कि ये देखिए खबर बेबुनियाद है।
आज सुबह जब एसएसपी से बात हो रही थी मुजफ्फरनगर के, तो सवाल उनसे यही पूछ रहे थे हम बार बार कि अगर आपको लगता है, उन्होंने कहा ये एक पक्षी है, अगर एक पक्षी आपको ये बात लगती है कि उसका धर्म जबरदस्ती बदलवाया जा रहा था या फिर उसको मांस खिलाने की कोशिश की जा रही थी, तो एक पक्षी तो फिर यहाँ ये भी बनता है कि हो सकता है कि गैंगरेप की बात भी वो गलत कह रही हो। इस बात का जवाब एसएसपी के पास नहीं था। सवाल सबसे बड़ा यही है कि यूपी पुलिस को अपने अधिकारियों को एक बार से जांचना खंगालना पड़ेगा रोहित, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अधिकारी धर्म देख करके काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए, जनता के लिए बहुत चिंता की बात है। आपको लगता है मलाना साहब कि यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी धर्म देख के काम कर रहे हैं, खास तौर पर इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ऐसा है कि अगर ये अधिकारी, मैं धर्म की बात नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से ये हुआ है मामला इंतहाई शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए मजम्मत की जाए कम है। दूसरी बात ये कि हमारे देश के अंदर आखिर कानून का खौफ कहाँ चला जा रहा है कि वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरी बात यह है कि हम जो अधिकारी थे इन सब को सबसे पहले पूछा जाए कि 10 दिन तक किसी दूसरे स्टेट में वो लड़की नहीं थी, उसी इलाके में कहीं आसपास थी, 10 दिन तक ये काम होता रहा, उस लड़की को ढूंढने के सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके से कार्रवाई की गई, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन लगाती हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है। जहाँ तक एक अधिकारी की बात है, मुसलमान है तो उस अधिकारी के ऊपर बड़े अधिकारी तो नॉन मुस्लिम हैं या जो भी हैं, मैं कहता हूँ इस मामले को धर्म पे ले ही नहीं जाना चाहिए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एक जो भी दोषी हो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसमें धर्म को नहीं आने देना चाहिए, चाहे किसी धर्म से हो, हमें उससे बहस नहीं है, अगर गलत काम कर रहा है तो ऐसी कड़ी सजा हो। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि ऐसे मुलजिमों को जब तक डे बाय डे हेरिंग करके चौराहों पे फांसी नहीं दी जाएगी, मैं समझता हूं कि क्या हो गया है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही। समित पात्रा, देखिए इसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और आज सभी लोग उन्हीं पहले को छू रहे हैं। पहले तो जहाँ तक कानून व्यवस्था और पुलिस का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पुलिस ने गड़बड़ी की है, जिस तत्परता के साथ पुलिस ने एक क्लीन चिट दे दिया कि नहीं वो मांस वाला विषय नहीं था, वो मिथ्या है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जाँच होगी भी और एक्शन भी लिया जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है रेप वाले विषय पर उन्होंने एफ आई आर दर्ज भी किया था, किसी एक को गिरफ्तार भी किया है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पहलू आता है, आप देखिए तथाकथित रूप से लिबरल कहे जाने वाले लोग जो अपने आप को ओपिनियन सेटर कहते हैं, पूरे मीडिया में अर्थात सोशल मीडिया में 3 दिन से डिस्कशन किसी रेप का नहीं चला, डिस्कशन ये चला कि प्रधानमंत्री किसको फॉलो करते हैं और ये मीट खाने वाली खबर झूठ थी। पूरा ये लिबरल ब्रिगेड इसी में लगा रहा कि मीट खाने वाली खबर झूठ थी। यही अगर उल्टा होता, कुछ हिंदू लड़कों ने किसी मुस्लिम लड़के को अगर कहा होता कि चलो तुम दूसरे धर्म को अपना लो, तो वही ब्रिगेड बिल्कुल सब कुछ भूल के शुरू से अंत तक दूसरे पक्ष में लगी होती, तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन सेटर्स है वो दिन पर दिन एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आप मैडम अपने समय में बोल लीजिएगा, मैं एक बात और छोटा सा कहना, बिल्कुल छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है ये संवेदनशील मसला है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये लिबरल ब्रिगेड इतने संवेदनशील मसले को छोड़कर प्रधानमंत्री मत बांधिए, जो गलत है वो गलत, इसमें प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए? आप ही लोगों के प्रवक्ता लेके आए थे मैडम, शायद आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आप सोशल मीडिया में नहीं ला रहे हैं, आप नहीं है सोशल मीडिया में, आपको जानकारी नहीं है, मैं आपके जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूँ और मैडम मैं हाथ जोड़ के कहूंगा हमें लड़ना नहीं चाहिए। आप जितनी, मैं मैडम आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे लगता है आप समझती है कि हमें बीच में नहीं लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री तक क्यों लेकर जा रहे हैं? सुनिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार तक, मैं उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूँ, आप सुनिए, ये बलात्कार का मसला है, बोल लूं अगर इस प्रकार लड़ना है तो छोड़ देते हैं, आपके लिए धर्म बहुत जरूरी है। ठीक बोल रही हूँ, खुद देखिए, नहीं मैं कंप्लीट कर लूंगा, सवाल वैलिड है। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, वहाँ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, अगर वो आरोपी अब तक फरार थे तो पुलिस आपके कंट्रोल में है, और अगर पुलिस पर भी सवाल है तो उस पर भी कार्रवाई आप ही को करनी है। बोल रहा हूं ना, जवाब दे रहा, ये कह के कि प्रधानमंत्री को निशाना बना दिया, यूपी की सरकार को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? जवाब दे, मैंने शुरू में कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं उस पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, और ये कार्यवाही होगी। आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो आजम खान फोन कर दे और कह दे कि नहीं मुसलमानों को छोड़ दो और हिंदुओं को पकड़ लो। नहीं सुन लीजिए, इतना बौखलाना ठीक नहीं है मैडम, सरकार नहीं है तब भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए मैडम, सरकार नहीं है उसका। देखिए दोनों जुट गए, देखिए दोनों भाई बहन साथ में होकर अब मैं पे चढ़ाई कर देंगे। एक सेकंड, आजम खान
सुन लीजिए, आजम खान क्यों आए मैं बताता हूँ, आजम खान क्यों आए मैं बताता हूँ, प्लीज लड़िए मत। जूही जी, आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। इंतजार, आप इंतजार करिए, आपका समय आएगा तो बोलेंगे। आपकी सरकार भी नहीं है, समय मुझसे पूछा गया, समय मेरे को दिया गया है। रोहित मैं कंप्लीट कर लूँ 10 सेकंड में। उनका सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री की तरफ बात घुमा के उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों बचा रहे हैं? उल्टे आपको कहना चाहिए था कि अगर यूपी की पुलिस ऐसा कर रही है तो हम कार्रवाई करते हैं, आप कार्रवाई लेके आते साथ में। आज हमने ये कार्रवाई कर दी, कार्रवाई देख लीजिएगा कल तक कार्रवाई। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या कि मुसलमानों को बचाने के लिए या हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए उनको पारितोषिक दिया जाएगा? ये वैसी सरकार नहीं है, ये स्यूडो सेक्युलर सरकार नहीं है। ये आजम खान फोन कर देंगे, नहीं मुसलमानों को जेल में डाल दो और हिंदुओं को छोड़ दो, यही मुजफ्फरनगर में हुआ था ना। इसी इलाके में आजम खान का फोन आया था कि मुसलमानों को छोड़ दो और हिंदुओं को डाल दो। और ये जो अफसर है, कौन भर्ती किया था इस अफसर को, इस ऑफिसर को जिसका नाम भी आपने लिया, क्या सच नहीं है? अखिलेश जी नहीं भर्ती किया था, अखिलेश जी नहीं भर्ती किया था, हम एक्शन लेंगे। अखिलेश जी द्वारा भर्ती किए हुए इन अफसरों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मैडम जूही जी को सुन लीजिए, लोगों ने जो सेक्युलर अफसर भर्ती किया, जूही जी को सुनिए, फिर विक्रम जी के पास चलते हैं। बोलिए जूही जी, बोलिए। रोहित जी, बलात्कार को हिंदू मुस्लिम न करे, दूसरी बात क्यों नहीं करे? मैडम हो रहा ना हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान ना करे क्यों? एक सेकंड पात्रा जी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, करिए आप। मुझे ये बताइए ना जूही जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कि हिंदू मुस्लिम तो हो गया ना, जहाँ लड़की ने कहा कि हमको जबरदस्ती मांस खिलाया गया और कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, और पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में कह दिया कि नहीं ये वाला पार्ट हटा दीजिए, बस रेप की कहानी है, वो अलग है, उसकी जांच कर रहे हैं। क्या जल्दी थी पुलिस को? रोहित जी गलत है, बिल्कुल जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, गलत है। और अफसर इम्तिहान पास करके आते हैं, निकाल दीजिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बलात्कार इम्तिहान भी कैसे लेते हैं, मेरे बीच में बोल रही थी, संवेदनशील मसले में करिए इसमें, ये संवेदनशील नहीं है। मेरा सवाल ये है, परिवर्तन संवेदनशील नहीं है, दोनों संवेदनशील है। एक सेकंड विक्रम जी मेरा सवाल ये है कि अगर इनमें से किसी रेपिस्ट को जनता ने पकड़ लिया होता, वहां उसके साथ मारपीट हो गई होती, खुदा ना खास्ता वो मर गया होता, तो ये धर्म का मामला हो जाता। तो धर्म का यहाँ पर गाड़ी में सीट नहीं मिलती है चलती ट्रेन में, वहां झगड़ा हो जाता है, कोई गिर जाता है, मार दिया जाता है, मर जाता है उस झगड़े में, तो वो धर्म का मामला हो जाता है। लेकिन यहाँ रेप में अगर एक पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि धर्म की वजह से वो आरोपियों को बचा रहे थे और आरोप बदलने की कोशिश थी, वो धर्म का मामला नहीं है क्या? रोहित जी मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं कि हम इसको कहां तक ले जा रहे हैं। धर्म का मामला है और धर्म का मामला दुर्भाग्य से पुलिस की ना तजुर्बेकारी ने बनाया है। आपने बचाओ पक्ष के वकील की तरह एक ट्वीट करके आरोपियों को बचाने की कोशिश की है बहुत जघन्य अपराध से। आपको क्या जल्दबाजी थी कि मीट खाया या नहीं खाया इसके बारे में टिप्पणी देने की? आपकी जवाबदेही कोर्ट को थी और सोशल मीडिया पे नहीं थी, लेकिन आपने किन परिस्थितियों में किस अनिवार्यता के कारण आपने ये ट्वीट किया? अभियुक्तों के बचाव पक्ष में आपने ऐसी कार्रवाई कर दी कि अब उनको न्यायालय में शायद सजा मिलना बहुत मुश्किल होगा। अब समय की पुकार यह है कि धारा 166A IPC के अंतर्गत जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, चाहे ना तजुर्बेकारी के कारण या जानबूझ करके, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये उम्मीद की जाती है कि जो भी पुलिस कर्मी पुलिस अधिकारी पुलिस में आते हैं वर्दी पहनने के बाद, वो धर्म जात और संप्रदाय से ऊपर उठ जाते हैं और केवल कानून के ही हिसाब से उनका कार्य होना चाहिए। लेकिन इस केस में जानबूझ करके मुझे दिखाई पड़ रहा है कि उनकी मानसिकता के कारण ये त्रुटि विवेचना में आई, और इस त्रुटि को हटाने में मैं नहीं समझता हूं कि अब कोई कामयाब हो पाएगा। मौलाना साहब आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल रहे, फिर मैं राहुल सिन्हा के पास जाऊंगा। बोले मौलाना साहब। देखिए ऐसा है कि इस वक्त हमारे प्रदेश के अंदर जो माहौल बना है लॉ एंड ऑर्डर का, मैं एक बात सिर्फ छोटी सी कहूंगा, आपके ही चैनल पे आज देखा कि कोई लड़की बनारस में सर मुंडाए हुए है, आप बताइए क्यों मुंडाया उसने सर, ये कहां लॉ एंड ऑर्डर है? अरे सर मुंडाया उसने, जो सर मुंडा लिया प्रधानमंत्री गए थे, लेफ्ट की विचारधारा की लड़की थी, सर मुंडवा लिया, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर क्या? आप सर मुंडवा लेंगे लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा? रोहित जी पूछिए पूरी रिपोर्ट पूछिए ना, आप बताइए कोई सर मुंडवा लेगा तो वो लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है? अरे भैया उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसके साथ गलत हरकतें हुई हैं, इसलिए सर मुंडाए टहल लिए वो। ना ना आज जो रिपोर्ट चल रहा है वो देखिए बनारस का, सुनिए इनसे, इन्हीं के चैनल पे जी न्यूज़ के ऊपर है। एक बार वो बोल लें, मौलाना साहब अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। संबित पात्रा पूरी करें, मौलाना साहब अपनी बात पूरी करें।
मैं यही कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले टेक ओवर करना चाहिए था हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को, क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब था और उसी के ऊपर एक बड़ा सा इनको मिला के क्या कहते हैं प्रचंड बहुमत के साथ ही आए, तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आप मीडिया के हैं रोहित जी, आप बताइए 6 महीने के अंदर ये ग्राफ कम हुआ है या बढ़ा है, आप फैसला करके बताइए, संबित पात्रा जी से पूछ लीजिए। फैसला करना हमारा काम नहीं है सर, फैसला जनता करती है, हम केवल तथ्यों को सामने रख देते हैं। राहुल सिन्हा, जब हम कहते हैं अपराध को अपराध की नजर से देखो, उसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हो, तो सारे राजनेता उसमें ढूंढ ढूंढ के धर्म और जाति के एंगल निकाल के लाते हैं, दलित था या नहीं था, मुसलमान था या नहीं था। आज जब हम ये कह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से देखने के बाद इस मामले में जानबूझ के कार्रवाई गड़बड़ की गई है, तो कह रहे हैं कि साहब इसको धर्म के एंगल से क्यों देख रहे हो, ये तो रेप का मामला है। देखिए, इसमें सिर्फ पुलिस ही धर्म के चश्मे से नहीं देख रही है रोहित, सबको देखिए, नेता भी इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, मीडिया भी इसको धर्म के चश्मे से देख रही है। और शायद यही वजह है कि ये खबर, जो कि 16 तारीख को ये लड़की वापस लौटी थी, 18 तारीख को FIR दर्ज हुई, आपको किसी नेशनल मीडिया पर खबर ये दिखाई देनी हुई, अभी भी कोई इस खबर को छूना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये किसी एक खास धर्म से जुड़ी हुई है, हम जाएंगे तो हो सकता है कि जिस एजेंडे पे हम चल रहे हैं उसको डिरेल हो जाए। यही स्थिति नेताओं की भी है, एक दलित लड़की है, नाबालिग लड़की है, अमूमन देश के किसी भी हिस्से में आप देखिए जब किसी दलित के साथ ही घटना होती है, बहुत सारे नेता हैं तुरंत पहुंचते हैं और शायद वहां मीडिया का जमावड़ा लगता है बड़ी खबर हो चुकी होती है, लगता है देश में असहनशीलता फैल गई है। इस मामले में कोई नहीं पहुंच रहा है और शायद इस वजह से नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हर किसी को ये डर लग रहा है कि इस मामले में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएंगे। धर्म भी है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद तुष्टिकरण भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस मामले से लोगों को दूर कर रही हैं, दूरी बनाए हुए हैं, और जिसका सबसे बड़ा फायदा उन आरोपियों को मिल रहा है। जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे थे वो फैक्ट है कि जो ट्वीट किया है मुजफ्फरनगर पुलिस ने, उससे उस लड़की का केस कमज़ोर इस बात को लेकर होता है कि जो उसने 3 बातें कही उनमें से एक बात को यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अंदर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में उसके बिना पर क्या आरोपी पक्ष ये बात नहीं रखेगा कि हो सकता है बाकी 2 बातें भी झूठी हों? सरकार के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि संबित पात्रा यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता ही खुद कह रहे हैं ये बात कि जो सिस्टम है वो अभी भी पुरानी सरकार वाला ही चल रहा है। संबित जी बोलिए। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो राज्य सरकार का काम है और हम सरकार में हैं तो इसकी जवाबदाही तो हमारी ही रहेगी। मैं आपको आश्वासित कर सकता हूं कि ये कोई तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है, इतना तो मैं कह ही सकता हूं अपनी सरकार की, आप इंतज़ार करिए। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं, आपने ये पूरा रिपोर्ट दिखाया, इसके सत्य के आधार पर आप देखिएगा 2-1 दिन के अंदर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ये दूसरे विषय को छुपाने के लिए वो जरूर उजागर होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर यही सलीम के जगह पर सरोज होता तो पूरे दुनिया पे अभी बम फट गया होता कि ये भारत जो है पोलराइज्ड हो गया है, भारत जो है तुष्टिकरण का देश बन गया है, यहाँ पर लिंचिस्तान हो गया है और सारे राहुल गांधी से लेके तमाम लेफ्ट के नेता, अखिलेश यादव से लेके सभी लोग अभी वहाँ पर अभियुक्त के घर में, पीड़िता के घर में पहुँच चुके होते, क्योंकि उनको दिखाना है कि भारत किस प्रकार बंट चुका है और मोदी जी के अंतर्गत सब खराब हो चुका है, ध्वंस हो चुका है। चूंकि ये सलीम है तो यहां बार बार बताया जा रहा है कि धर्म को लेके मत आओ, मांस खिला दिया वो सब कुछ वो छुपा दो, सिर्फ रेप की बात करो। ठीक बात है, रेप ज्यादा जघन्य है, उस पर बात होना चाहिए, दूसरा मसला भी उतना ही संवेदनशील है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं यहां पर सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी रख रहा हूं, मैं अपनी पुलिस को बचा नहीं रहा हूं। जहां तक पुलिस का सवाल है, देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, आप अचानक ट्रेन से उतरते हैं तो अचानक रुक नहीं जाते हैं, थोड़ी देर दौड़ के उसके बाद आप ब्रेक लगाते हैं अपने आप को, इनर्शिया ऑफ मोशन है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल दे, नहीं चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, पहले यही पुलिस होती थी तो यही नेता फोन करते थे, आजम खान जी का उदाहरण दिया और बिल्कुल टेप में पकड़ा गया, न्यूज चैनलों ने चलाया कि मुसलमानों को छोड़ दो, हिंदुओं को बंद कर दो। अब हिम्मत नहीं है किसी पुलिस वाले की कि इस आधार पर, इस बिना पर कि केवल धर्म और जात लेकर काम। एक सेकंड, राहुल सिन्हा, कितने दिन हो गए इस मामले को? 16 तारीख को वो लड़की वापस लौटी, 18 तारीख को FIR दर्ज हुई और 18 से आज आप सोचिए 22 तारीख है, जब हम लोगों ने सुबह से मुहिम शुरू की तब जाकर के पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और जो खबर अभी तक आ रही है रोहित, वो उसके हिसाब से ये भी है कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो जानते हैं कि तीनों कहाँ हैं, लेकिन अभी भी उनको उस तरीके से जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात, संबित पात्रा, जिस अधिकारी पे सवाल है उस अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई नहीं है अब तक। अगर लगातार पीड़ित पक्ष उस अधिकारी पे सवाल उठा रहा है
तो उस अधिकारी को सबसे पहले वहां से अलग किया जाना चाहिए, क्या विक्रम सिंह जी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए रोहित जी, और मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की बात से आंशिक रूप से मैं संतुष्ट हूं, मगर इस केस में अगर पुलिस और प्रशासन गंभीर है, जिस मैटर को लेकर के देश में और आपके स्टूडियो में चर्चा हो रही है, ये फिट केस है कि रासुका के अंतर्गत सभी अभियुक्त बंद होने चाहिए। बिल्कुल, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर ने बहुत भारी कीमत दी है सांप्रदायिक तनाव को लेकर के, और अब समय आ गया है, आपके पास साधन है, संसाधन है, इच्छा शक्ति है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कि पुलिस अधिकारियों को दंडित और निलंबित ही नहीं, अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत सेवा मुक्त भी किया जाए। जूही जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोल लीजिए। जी, मैं बस ये कह रही हूँ रोहित जी, सलीम हो, सरोज हो, कोई और हो, लिबरल मीडिया हो, लेफ्ट हो, संबित जी बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िए। सही बात है, आपकी सरकार है, आप क्यों प्रधानमंत्री को इस बीच में ला रहे हैं? आपकी सरकार है, आपके अफसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, गलत ट्वीट किया, पीड़िता का पक्ष कमजोर किया, उन पे एक्शन लीजिए, लोगों को अरेस्ट करिए। इसमें कोई नहीं कह रहा है कि धर्म के मुद्दे की जांच मत करिए, मास्क खिलाने की जांच मत करिए, लेकिन आपकी पुलिस फोर्स जिम्मेदार है और महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री को गतिविधि की जरूरत नहीं है, आपके मुख्यमंत्री है, आपकी पुलिस फोर्स है, आप एक्शन लीजिए। क्यों पुरानी बातों को आपको गलत लगता है? गलत लगे, लेकिन इसमें तीन मुद्दे उभर के आए हैं, तीनों की, और उन अफसरों को तो हटाइए, उसमें प्रधानमंत्री के सेंक्शन की कोई आवश्यकता थोड़े ये कि उसमें आप समय मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है जी रोहित, आज जूही जी आपकी सरकार थी, उस समय ऐसे वाकई होते थे, वहां लाइन लगती थी नेताओं की, अब तो आप लोग खाली हैं, कम से कम उस लड़की को साथ देने पहुंच जाता कोई कि तेरे को इंसाफ हम दिलाएंगे, हम खड़े हुए साथ में, हम आवाज उठाएंगे। रोहित जी, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और उसके लिए उनके घर में जाकर संबित पात्रा को ये कहने की आवश्यकता हम ना मौका देंगे कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, महिला के साथ भी हैं और पुलिस के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। तब तभी नहीं था जब ये तथाकथित रूप से कहते हैं कि आजम खां का फोन गया जिसकी कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। कोई प्रूफ तो नहीं इसमें है, तीन मुद्दे उभर के आए हैं, तीनों मुद्दे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मीडिया ने चलाया, उन्होंने देखा, छोड़ दीजिए, चलाया होगा। अभी इस पर मुद्दे पर रहिए, अभी मैं हरियाणा पहुंच जाऊंगी तो आप यहाँ बैठे नहीं पाएंगे, तब आप पहुंच जाइए हरियाणा, मैं तो यहीं से बैठ के डिबेट करूंगा। मैडम, ऐसे हेडमिस्ट्रेस की तरह डांटिए मत, ऐसे हेडमिस्ट्रेस की तरह मत डांटिए मैडम कि मैं पहुंच जाऊंगी हरियाणा, फिर तुम्हारी क्लास बंद कर दूंगी, ये अच्छी बात नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है। इस मुद्दे पर रहिए, तीन मुद्दे हैं, तीनों में जांच करिए, मुद्दे पर ही आ रहा हूं मैडम, अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करिए। ठीक है, ठीक है, मैं याद है राहुल जी यहाँ हैं, राहुल जी अगर हैं तो सुन रहे हो तो बताए। राहुल जी, आपके साथ हमने एक डिबेट किया था, रोहित जी भी थे उस दिन, कि आप ही ने एक गांव यूपी में चुनाव से पहले ढूंढा था जहाँ की लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ जाके स्कूल में पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उनको मुसलमान लड़के रोकते थे। और इस पूरे केस को अब देखिए उस गाँव में किस प्रकार लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आपने फॉलोअप भी किया होगा मुझे लगता है, तो एक बहुत बड़े पैमाने में मैं पैमाना दिखाना चाहता था कि कहाँ गांव-गांव से हिंदू लड़कियों के ऊपर इस प्रकार का विषय आता था कि दबाव रहता था कि वो पढ़ नहीं पाती थी। उस समय यही मेरी बहन जूही आके यहाँ पर प्रिवेंट करती थी, डिफेंड करती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं। अरे मैडम, मैं आपके बीच में बोला क्या, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए, आप तो ऐसी नहीं थी, कब से ऐसी हो गई मैडम, आप तो ऐसे नहीं चिल्लाते थे दूसरों के बीच में। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, देखिए पैमाना देखिए, एक जमाना था कि बच्चियां जाके पढ़ नहीं पाती थी स्कूल में, उस समय जूही जी और उनके प्रवक्ता डिफेंड करते थे। आज 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 एक केस सामने आया है और मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ रोहित जी कि आप देखिएगा इस केस के सारे पहलू जो सत्य है सामने आएंगे, जो पुलिस कर्मी इसके लिए उन्होंने एक अंश को छुपाने की कोशिश की उसका भी भुगतान उन पुलिस कर्मियों को करना पड़ेगा, और ये जो हमारी बच्ची है, जो बहन है उत्तर प्रदेश की, जो पीड़िता है, उसको भी न्याय मिलेगा, मिलके ही रहेगा। यहाँ कोई तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं बैठी है, ये आप भी जानते हैं, ये जूही जी भी जानती हैं, और ये मौलाना साहब भी जानते हैं। इस चीज को आप नकार नहीं सकते ना, इस चीज को आप नकार नहीं सकते मौलाना साहब, इस चीज को आप नकार नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी की जब तक सरकार रही चीजें इस तरीके से हुई कि उनको धर्म के चश्मे से देखना पड़ा लोगों को। उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी पकड़ के डाल दिए गए हैं उनको हम छोड़ देंगे, अदालत से फटकार पड़ी, उनको रोकना पड़ा, उस फैसले से पीछे हटना पड़ा। कैराना को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ कि वहां लोगों को धर्म की वजह से मजबूरन अपने घर बार छोड़ के भागना पड़ रहा है,
और अब यहाँ पुलिस पर आरोप है। जूही जी प्लीज, जूही जी, जूही जी, जूही जी, अब आप अगर आंख बंद कर लें सामने से देख के बिल्ली आती हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बिल्ली चली गई है। नहीं नहीं, मौलाना साहब के इस्लाम पे खतरा नहीं हो रहा है, जूही जी के इस्लाम पे पूरा खतरा आ जा रहा है डिबेट में। मौलाना साहब अपनी बात रख ले पहले। नहीं, मेरे पर भी नहीं है। अगर अनुभव ऐसा रहा है सुनिए, तो अगर वो लड़की आरोप लगाएगी कम से कम बिना जांच के पुलिस क्लीन चिट दे दे, ये तो नहीं माना जा सकता ना। मैं कहना चाहता हूँ कि जो समाज, मैं यही कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार करके गई, क्या इसीलिए बीजेपी को बुलाया है कि वो ये कर रहे थे आप ये कीजिए? ये तो नहीं होता है ना कि अगर एक गलत है तो दूसरा भी आके गलती करे, हम भी उसके मुकाबले, तो हम भी ये कह दें कि दलितों को आप भी तो पेशाब पिलाते हो, गोबर खिलाते, सारा काम करते हैं, हम भी आपसे कह सकते हैं। तो आज अगर किसी मुसलमान लड़के ने, ये सब चीजें गलत हैं, हम हुकूमत में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विक्रम सिंह जी बैठे हुए कितने घंटे हो गए अधिकारी को ट्वीट किए हुए, जो उसने अनऑफिशियली ट्वीट किया है उस पर कार्रवाई होके अब तक उसको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, क्यों तब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्यों उसने इस मैटर पे सोशल मीडिया में ट्वीट किया, अधिकारियों ने अब तक क्यों नहीं पूछा? विक्रम सिंह जी, मौलाना साहब की बात को पूरी तरीके से तायद करते हुए मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में ये है कि हम किसी प्रकार से मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, और उसमें सोशल मीडिया में भी ये है कि जो सरकारी मसले, केवल गुड वर्क और चेतावनी और सतर्कता, वार्निंग्स आप इशू कर सकते हैं, विवेचना की गूढ़ता को और उसके मर्म को सोशल मीडिया में देने का, ये मौलाना ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, उसका निलंबन होना ही चाहिए। और मैं संवित पात्रा साहब के माध्यम कहूँगा, ऐसे अधिकारी जो प्री मेच्योर डिस्क्लोजर करते हैं अभियुक्तों की मदद करने की इरादे से, उनका निलंबन होना ही चाहिए। तो सर, इसका निलंबन सर, और एक कार्य संस्कृत लिया है। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, बस एक छोटा सा पॉइंट, एक सेंटेंस में इसी में जवाब दे दीजिएगा साथ में। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वो परिवार, वो लड़की बार बार जिस जांच अधिकारी पे सवाल उठा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए या जिसने ट्वीट कर दिया उसकी जांच करवाएंगे? जाहिर है कि हमारा पूरी शक्ति और ताकत और सामर्थ्य पीड़िता के साथ रहना चाहिए, और जिसने अत्याचार किया है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। डॉक्टर संवित पात्रा की बातों को मैं जानता हूं, इनर्शिया है, लेकिन इनर्शिया 30 दिन में हो जाए, ठीक है। पुलिस विभाग आईसीयू में था, लेकिन आईसीयू निकालने डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, 6 महीने 8 महीने लगते हैं, लेकिन अब जनता भी अधीर हो रही है, कानून व्यवस्था भी जो है आपको जल्दी उसके बारे में ठोस प्रमाण देने हैं कि आप गंभीर हैं और आप उसको नियंत्रण कर रहे हैं और कर लेंगे, इसको इसका प्रमाण आपको देना ही पड़ेगा। देखिए रोहित जी, इसमें दो पहलू हैं, एक कानून व्यवस्था के पहलू है। मैं जनरली कई बार देखता हूं कि जो मौलाना होते हैं, मैं उनसे रेडी, उनसे एक्सेप्ट नहीं करता उनकी बातों को, मगर मैं मौलाना जी की बातों से सहमत हूं कि धर्म, अगर इन तीनों लड़कों ने, सलीम, अकबर इत्यादि ने बदमाशी की है, तो उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी, अगर पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर, क्योंकि उनको पता था कि मांस खिलाया गया, धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई, एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस पूरे विषय पर चादर डालने की जो कोशिश की गई, अगर पुलिस ने जानबूझ के किया है, क्योंकि मैं टीवी स्टूडियो पर बैठ के इस पर ऐलान नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे लगता है इस पर जरूर जांच होगा और तुष्टिकरण नहीं होगी, ये तो मैं ऐलानिया टीवी स्टूडियो से भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी सरकार को, यहां किसी की तुष्टिकरण नहीं होती है। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। देखिए रोहित जी, इसका एक दूसरा एंगल मैं बार बार यहां लाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मॉडर्न एरा है, आप भी सोशल मीडिया पे हैं और हम सब यहाँ सोशल मीडिया पे, एक बहुत बड़ा ओपिनियन सोशल मीडिया पे बना जिसे भारत के लोगों ने भी और बाहर के लोगों ने भी देखा। उसी में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि लिबरल ब्रिगेड बार बार एक अंश को, किसी ने रेप के ऊपर कुछ नहीं कहा, केवल खींच के ले जाकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, प्रधानमंत्री के द्वार पर विषय को छोड़ने की कोशिश की। एक छोटे से उदाहरण से समाप्त कर रहा हूं, आप याद करिए रोहित जी, अभी 3 दिन पहले सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन कितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। एक सुप्रतीक चटर्जी नामक लेखक ने, जो कि बहुत सारे मीडिया में लिखता है, उसने प्रधानमंत्री की हत्या और मृत्यु तक की कामना कर ली, उस पर भी लिबरल ब्रिगेड का एक अलग विचार था। लिबरल नहीं, देखिए विषय पत्र ये है, इसमें लिबरल ब्रिगेड को भी लाकर आप अगर इसे यहां तक सीमित रखते कि अब आप लोग उन पोर्टल्स के खिलाफ, उन वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहते हैं जिन्होंने मास की बात को झूठ बताते हुए जानबूझकर प्रधानमंत्री का नाम बीच में घसीटने की कोशिश की, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोलते तो समझ में आता, लेकिन आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि चलिए ये विषय हो रहा है तो साथ साथ दूसरा भी ले लें। किसी ने ऐसे पोर्टल पर लेखक ने धमकी दे दी कि प्रधानमंत्री के मरने का कह दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं रोहित जी, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए डिबेट हो रहा है, समग्रता में हो रहा है।
इस विषय को बहुत ट्रैक्शन सोशल मीडिया में मिला, जिस विषय पे हम आज डिबेट कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया में ये जो लिबरल तथा कथित लिबरल लेफ्टिस्ट गैंग है उनके विषय कौन एक्सपोज करेगा इनको, क्योंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं आज आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मीडिया में भी एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो इनके द्वारा पोषित और पालित है, इनका सच्चाई कभी भी सामने नहीं आता है। कोई तो बताएगा ना कि ये ऐसे लोग हैं, इनकी सोच कैसा है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एक जघन्य अपराध रेप जैसे हुआ उसको दरकिनार करके किस प्रकार प्रधानमंत्री घर तक पहुंच जाऊं, यह कोशिश कुछ लोगों की रही है। ओके ओके, जूही जी अपनी बात कहिए, फिर राहुल सिन्हा आपके पास आ रहा हूं, बोलिए जूही जी। इसमें बिल्कुल प्रधानमंत्री को नहीं घसीटना चाहिए और संबित जी को भी उनको नहीं घसीटना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उनसे गलती हुई, तीन इस जुर्म के तीन आयाम है, तीनों की जांच होनी चाहिए। और इधर उधर ले जाने से मसला जरूर संवेदनशील होता है, इनको एक्शन लेना हो ये ले, किसी को प्रधानमंत्री की ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए, वो सभी के प्रधानमंत्री है। लेकिन ये लड़की भी है, उसने 164 दिया है, तीन बातें कही है, अफसरों को हटाए, निलंबित करें। और विक्रम सिंह जी ने सही कहा है कि कोई अफसर ऐसे ट्वीट नहीं कर सकता है, ये उनके कॉन्डक्ट रूल्स में प्रेस तक नहीं जा सकता है। एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ, ये जरूर मुख्यमंत्री और आपके प्रमुख सचिव पे सवाल या डीजीपी पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। राहुल सिन्हा, ये सवाल पूछे नहीं गए पुलिस अधिकारियों से कि अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, और क्या जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन की बजाय ट्वीट करने वाले के खिलाफ एक्शन करके मामला निपटा तो नहीं दिया जाएगा? पता नहीं, मुझे लग रहा है रोहित, मामला तो निपटाया जाएगा जिस हालात में, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस का एटीट्यूड देखने को मिला। और मैं बहुत साफ शब्दों में आपसे बोल रहा हूँ कि शायद अगर आज सुबह हम लोगों ने इसे एक मुहिम के तरीके से नहीं उठाया होता तो ये मामला अगले 4-5 दिन में दबा भी दिया जाता, क्योंकि जिस तरीके का रुख मुजफ्फरनगर पुलिस के अधिकारी अपना रहे थे, इस लड़की को इसके बयान दर्ज हुए उसके बाद में इसके परिवार के लोगों का आरोप है कि वहाँ के कुछ अधिकारी इसके पास पहुँचे, इससे कहा कि इस मामले को बंद करो, दबाओ, छोड़ो, तुम्हारी बदनामी होगी, उसे अलग ले जाकर के समझाया गया, तो बहुत स्वाभाविक सी स्थिति थी कि शायद अगर ये मामला सामने नहीं आता तो फिर शायद इसको दबा भी दिया जाता। लेकिन रोहित, इन सब के बीच में मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, संबित पात्रा यहाँ पर मौजूद है, ऐसा हो क्यों रहा है कि जब किसी एक खास धर्म को लेकर के ऐसी खबरें आती हैं या ऐसे मामले सामने आते हैं तो सब लोग एक तरफ किनारा कर लेते हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं। मेवात में हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से तीन हिंदू बच्चे थे, उनको तीन टीचर ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए कह रहे थे, कार्रवाई के नाम पर आज भी वो तीन टीचर से सस्पेंड है, एक बच्चा घर पे बैठा हुआ है। संबित पात्रा दीजिए जवाब। देखिए ये तो सवाल मैं हम लोग खुद ही पूछ रहे हैं, आप तो सरकार चला रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आज हम लोग जवाब किससे मांगने हैं, मैं बता रहा हूं जूही जी से, नहीं अभी राहुल में होता नहीं, बिल्कुल नहीं, राहुल जी जवाब आपकी सरकार, राहुल जी ने जवाब, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार जवाब दे रहा हूं। राहुल जी ने कहा ना वो तीनों टीचर सस्पेंड है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर ये कांग्रेस की सरकार के समय होती तो वो स्कूल तक आप भी नहीं पहुंच पाते, ये पूरा विषय ही नहीं उठता, क्योंकि सबको नमाज पढ़ना चाहिए, वो यही बताते, हमने सस्पेंड तो किया है टीचर को। और देखिए इस पे प्रावधान फांसी की सजा की तो नहीं है, सस्पेंशन का ही है, जो प्रावधान कानून में है वो प्रावधान हमने लगाया है। दूसरी बड़ी बात है, देखिए आज हिंदुस्तान, और ये देखिए राहुल जी भी है वो भी जानते हैं कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। आप आज कल दुर्गा पूजा के विषय में चर्चा कर रहे थे, आज आप धर्म परिवर्तन के विषय में चिंता कर रहे हैं, लव जिहाद के लिए हम बीसियों साल से लड़ रहे हैं, अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस देयर इज लव जिहाद, एनआईए इस पे जांच करेगी। देखिए हम तो बीसियों साल से इन विषयों को लेकर आ रहे हैं, मगर ये जो सत्ता रही है, जो लेफ्ट कांग्रेस, पहले गाय बछड़ा होती थी, याद है कांग्रेस की जो सिंबल होता था गाय बछड़ा, में कहावत है कि गाय लेफ्ट होती थी और बछड़ा कांग्रेस होता था, ये दोनों का विचारधारा इतने वर्षों तक भारतवर्ष में रहा है, तो स्वाभाविक है एक तुष्टिकरण की राजनीति चलती थी। हम भी तीन साल से हैं, तीन साल में आप बता दीजिए क्या सरकार ने कभी तुष्टिकरण की राजनीति को अपनाया है? बिल्कुल नहीं अपनाया है। सस्पेंड है वो टीचर, एक्शन हुआ है उस स्कूल के खिलाफ, और आज मैं आपको ऐलान करके बताता हूं कि इस बहन के साथ भी न्याय मिलेगा, उसको धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है, जघन्य गैंगरेप किया गया है, जो तीन बच्चे हैं, जो तीन आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो पीछे जाएंगे सलाख होके और उनके खिलाफ एक्शन होगा, उस समय आप देखिएगा कैंडल मार्च भी होने की संभावना है। विक्रम सिंह जी, क्या सिस्टम को पता नहीं लगता कि अपने अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? दुर्भाग्य ये है रोहित जी कि वाकई सिस्टम को मालूम नहीं पड़ रहा है जो इंटेलिजेंस का सिस्टम होना चाहिए था। सबसे पहले टीचर्स ने अगर नमाज पढ़वाया था तो क्रिमिनल केस क्यों नहीं लिखा गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया, सबसे पहली चीज़। सस्पेंशन विभागीय कार्रवाई है और जो क्रिमिनल केस बना है उसके बारे में हमने अनदेखा क्यों कर दिया, हमने क्यों पूरी कार्रवाई नहीं की? और सिस्टम में यह है,
मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस केस के बारे में, राहुल जी आप पता लगा लीजिएगा, मैं समझता हूं कि रेंज और जोन और लखनऊ के लेवल पे पूरी अनभिज्ञता होगी इस केस के बारे में, क्योंकि इस केस को दफन करने की पूरा प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी अधिकारी को जानकारी होती, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अब तक इनके ऊपर ऐसी प्रभावी कार्रवाई होती कि इनकी कमर टूट जाती, गलत अधिकारियों की भी और मुलजिमान की भी। आपको लगता है जूही जी कार्रवाई होगी? रोहित जी आपने मसला उठाया है, कार्रवाई राहुल जी भी कह रहे हैं होनी चाहिए, होगी, हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, उसका 164 का बयान आया है, जो भी आयाम उसने 164, लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि इन अफसरों को वहां से हटा दें जिन्होंने ट्वीट किया है या जो जांच कर रहे हैं, जिनके ऊपर पीड़िता बार बार अविश्वास दिखा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारे जिम्मेदार अफसर भी हैं, विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हैं, बता सकते हैं, किसी अच्छी टीम को दे दे। तुष्टीकरण का नाम बार बार क्यों आ रहा है? आपने रोक दिया, आप उस बात को उठा रहे हैं, हमने पहले ही कहा कोई भी धर्म के लोग हो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो बिल्कुल दोषी हैं। साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक कीजिए ना, निर्भया फंड बनाया गया, 10% भी खर्चा नहीं हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश कीजिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ है संबित जी, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए और कोई विरोध नहीं, कोई तुष्टिकरण नहीं, लेकिन आप क्यों लिबरल ब्रिगेड्स के साथ जा रहे हैं? बार बार उनको महत्व मत दीजिए इस केस पर, रहिए जी। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, जूही जी बहुत बहुत शुक्रिया, संबित पात्रा, विक्रम जी, राहुल सिन्हा और मौलाना साहब आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। आज हम इस लड़की तक पहुंचे, आज हम उन पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे, कल हम सरकार तक भी पहुंचेंगे, उनके दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देंगे और जवाब मांगेंगे कि बताइए कि आपने उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने रेप के मामले को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की और एक लड़की को इंसाफ ना मिले उस दिशा में मामले को आगे बढ़ाया।